नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपालचर। आपके फ्लाइट में सफर के दौरान सेल्फी लेने पर रोक लग सकती है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसी एयरलाइंस को फ्लाइट में सफर के दौरान सेल्फी पर रोक लगाने को कह सकता है। डीजीसी कॉकपिट के अंदर फोटो खींचने और क्रू मेंबर्स के साथ फोटो खिंचवाने पर भी बैन लगा सकता है। इस पर डीजीसी अगले कुछ दिनों में गाइडलाइंस जारी भी कर सकता है। हालांकि अभी भी फ्लाइट के अंदर फोटोग्राफी को लेकर नियम सख्त हैं। हाल ही में कॉकपिट के अंदर सेल्फी खिंचवाने के कुछ ऐसे ही मामले सामने आए, जिसके चलते एयरलाइंस और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इंडिगो की फ्लाइट में 6 पायलट्स ने कॉकपिट के अंदर अपने परिवार वालों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। तो जल्दी फ्लाइट में सेल्फी लेने पर रोक लग सकती है। डीजीसी ये कुछ ही दिनों में गाइडलाइंस को जारी कर सकता है और फ्लाइट में सफर के दौरान सेल्फी लेने पर जल्द ही रोक लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए डीजीसी ये फैसला ले सकता है। डीजीसी एयरलाइंस को फ्लाइट में सेल्फी पर रोक लगा सकता है। तो कॉकपिट के अंदर फोटो खींचने पर रोक अब संभव है। जल्दी ये रोक लग सकती है। डीजीसीए ऐसा फैसला ले सकता है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, इससे पहले भी हमने देखा पर्यटन विभाग जो है वो सेंसिटिव जोन्स में सेल्फी पर बैन लगा सकता है, काफी गंभीर है इस तरह के मामले को लेकर, और अब ये खबर आ रही है। आखिरकार इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा कारणों को स्टेक पे रखते हुए इस तरह के मामले बार बार आ रहे हैं, अब बैकग्राउंडर में जैसा कि आप बता रही थी, डीजीसीए के जो 6 पायलट्स थे अपने फैमिलीज़ के साथ सेल्फी ले रहे थे कॉकपिट में, तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इससे सुरक्षा के जो जो चिंताएँ हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अगले हफ्ते तक डीजीसीए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन इशू करेगा, जिसमें इस बात की काफ़ी क्लैरिटी होगी कि कहाँ पे आपको किस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करना है और कॉकपिट में आप सेल्फी नहीं लेंगे, कोई भी मेंबर उसमें नहीं जाएगा, इवन जो पैसेंजर्स हैं वो क्रू मेंबर के साथ सेल्फी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन एरियाज भी का भी डिस्क्रिप्शन उसमें होगा कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं और कहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी क्लैरिटी, हालांकि अभी कानून उसको लेकर है बट उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो इन पूरे मसले को मद्देनज़र रखते हुए डीजीसीए जल्द ही एक क्लियर गाइडलाइन इशू करने वाला है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा और इस बात की क्लैरिटी होगी, और क्योंकि उसको प्रमोट भी करने की तैयारी चल रही है ताकि पैसेंजर को भी इस बात की जानकारी हो कि उसे फ्लाइट के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैमरे का इस्तेमाल कहाँ करना है और किस तरीके से करना है और कहाँ नहीं करना है। इस पूरे मसले को लेकर क्लैरिटी आएगी और एक गाइडलाइंस इशू किया जाएगा। सुरक्षा सबसे बड़ी वजह है और उसको लेकर डीजीसीए काफ़ी गंभीर है और अगले हफ्ते तक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन इशू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट में जल्द ही सेल्फी लेने पर अब रोक लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। सस्ती एलईडी के बाद अब कम बिजली पर चलने वाले पंखे भी आने वाले हैं। सूर्या कंपनी ने इसके लिए बोली लगाई थी, जिसे कंपनी ने जीत भी लिया है। इसके तहत कंपनी 1 करोड़ पंखे बनाएगी और ईईएसएल के केंद्रों पर अक्टूबर से ये पंखे मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ये पंखे 45% तक बिजली बचाएंगे। इन पंखों के दाम मौजूदा पंखों से 50% तक कम होंगे। आप इन पंखों को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं और ये ईएमआई आपके बिजली के बिल से कटती रहेगी। और इस पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं प्रकाश हमारे साथ। प्रकाश, उपभोक्ताओं के लिए इसे कितनी बड़ी खबर माना जाए? जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और ख़ासकर ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो फैंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और बिजली के बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे इसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो काफ़ी अच्छी खबर है। कंज्यूमर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के ऊपर सरकार की नज़र है, सरकार ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट हो, जिसमें क्योंकि सरकार की ये कोशिश ये है कि जितना आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं एनर्जी सेविंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, तो उसके मद्देनज़र ये प्रोडक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है। अगर आप इस फैन की जहां तक बात है, सूर्या ने ये बोली जीती है और उन्हें शुरुआती जो चरण है उसमें 1 करोड़
इस तरह के फैन प्रोक्योर करने हैं, अक्टूबर से आप इसको दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई तरह के सेंटर्स ईएसएल ओपन करने वाली है, जहां पे आप इस तरह के फैंस ले सकते हैं। इसकी जो कीमत होगी 50% के आसपास कम होगी, जो अभी करंट मार्केट में अगर आप फैंस देखें, एग्जांपल के तौर पे अगर 2000 या 1900 रुपये अभी करंट मार्केट रेट है, उस लिहाज से देखें तो 980 रुपये के आसपास का इसका रेट होगा। इसके अलावा एक फ़ायदा इसमें यह भी है कि अगर आप इसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो इस फैन को आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं। इसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म पे आपको क्लिक करना है कि आप ईएमआई पे लेंगे या कैश पेमेंट करके लेंगे। अगर आप ईएमआई क्लिक करते हैं, ईएमआई पर ले सकते हैं, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए फायदा है जो पंखे नहीं खरीद सकते, यानी कि सस्ते पंखे भी मिलेंगे और बिजली भी आपकी कम लगेगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब राहत की खबर है। डीडीए 12,000 फ्लैट्स की स्कीम लेकर आ रहा है। अक्टूबर अंत यानी दिवाली के आसपास ये स्कीम लॉन्च होगी। इनमें 10,000 फ्लैट 2014 में लॉन्च हुई स्कीम के हैं, जो कि अभी तक भरे नहीं गए हैं, जबकि 2,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो दूसरी स्कीम में अभी तक खाली पड़े हुए हैं। ज्यादातर फ्लैट्स रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज में है। स्कीम में जो फ्लैट्स होंगे उनमें 10,000 फ्लैट LIG यानी वन बेडरूम के होंगे। ग्राहकों को एप्लीकेशन मनी के तौर पर 1.5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जबकि MIGI फ्लैट के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। इस बार EWS के लिए अलग से कोई भी स्कीम नहीं होगी। पिछली बार 2014 में DDA ने 25,040 फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की थी, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 1,20,00,000 रखी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट से DLF कोड झटका लगा है। कोर्ट ने DLF को नवंबर तक पंचकुला के प्रोजेक्ट में ग्राहकों को 50 फ्लैट देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने पोजेशन में देरी होने पर DLF से ग्राहकों को 9% ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। ब्याज की रकम 2014 से देनी होगी। DLF ने ग्राहकों से 2013 में फ्लैट के पोजेशन का वादा किया था, पोजेशन नहीं मिला तो ग्राहकों ने NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास चले गए थे, जहां NCDRC ने DLF को 12% ब्याज देने का निर्देश दिया था। DLF ने NCDRC के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे दी थी।